विविन और चाहत में हुई बहस, विविन का दिखा एंग्री अंदाज। ग्रैंड प्रीमियर के बाद बिग बॉस 18 में घर वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कौन किसके साथ सोएगा, जिस भी सदस्य के साथ वो बेड शेयर करेंगे अगर उसके साथ उनकी वाइब मैच होगी या फिर अगर उनकी दोस्ती होगी तो उनके लिए वो कम्फर्टेबल होगा। इनिशियली चाहत और विविन दोनों आसपास किसी बेड में सो रहे थे, लेकिन चाहत ने अपने बेड को चेंज कर लिया क्योंकि उन्हें स्नोरिंग से प्रॉब्लम है। इस बारे में विविन और चाहत की बात हुई थी, लेकिन शायद विविन को बात अच्छे से समझ नहीं आई थी या फिर उनके बीच में कॉन्वर्सेशन अच्छे से नहीं हुआ। अब यहाँ पर विविन दोबारा से आकर चाहत से उस बारे में बात करते हैं। विविन चाहत से पूछते हैं कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम है। चाहत यहाँ पर बताती है कि उन्हें खराटे से प्रॉब्लम है, लेकिन अब सब कुछ सॉल्व हो गया है क्योंकि बाकी लड़कियां मिलकर बेड शेयर करने के लिए रेडी है। विविन यहाँ पर चाहत को जवाब देती है और कहती है कि ये बहुत ही हिलेरियस एक्सक्यूज है, मीन्स ये बहुत छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि खराटे लेने वाले इंसान के बगल में नींद ना आए। यहाँ पर विविन और चाहत दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन चीजें सॉल्व हो जाती है। अब इस पूरी फाइट से विविन के पर्सनालिटी से ये पता चलता है कि विविन उनमें से है जो लड़ेंगे, लेकिन तब जब उन्हें सामने से कोई आकर कुछ बोलेगा। और विविन चीजों को अच्छे से समझने के बाद कुछ बोलते हैं, वो आधी अधूरी बातों पर लड़ने वालों में से नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है विविन डिसेना की पर्सनालिटी को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।